हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ गए हैं एक और नई इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट वीडियो। तो आज हम इस डिब्बे की पूरी इक्लियर्स को उबालेंगे और इसकी एक बहुत बड़ी चॉकलेट बनाएंगे और ये भी देखेंगे कि उबालने के बाद इसका जो टेस्ट है वो बदलता है या फिर वैसा का वैसा ही रहता है। तो ये जो डिब्बा है वो आया है 150 रुपए का। आप देख सकते हैं इसमें 165 चॉकलेट है। ये देखिए पूरा, देखिए सील पैक डिब्बा है अगर आप देखेंगे तो चलिए पहले इस डिब्बे को खोल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, इतनी सारी चॉकलेट और हम इसके साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो दोस्तों देखिए, हमने सारी सारी चॉकलेट को खोल लिया। देखिए कितनी सारी चॉकलेट, ये देखिए, मतलब सही कह रहा हूँ, मैंने आज तक इतनी चॉकलेट नहीं देखी। सारे बहुत से लोगों ने देखी हुई मेरी तरह। हम पता है 1-2 रुपए की लाते हैं, इससे ज्यादा लाते भी नहीं है, जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। बर्थडे पे भी लाते ना तो भी ज्यादा से ज्यादा 10 की 20 की, इससे ज्यादा नहीं लाते। तो देखिए आज इतना बड़ा पैक लाए आपके लिए। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपने इक्लियर के साथ ऐसा एक्सपेरिमेंट कभी नहीं देखा हो। तो दोस्तों देखिए, हम देख क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, जैसी चॉकलेट पिघल जाएंगी ना तो इनको क्या करेंगे, हम इस बोतल में भर देंगे। बोतल भरने के बाद तो जैसे ये सूख जाएगी, मतलब हार्ड हो जाएगी, तो हम इस बोतल को काट के फिर चॉकलेट निकालेंगे, फिर इसके ऊपर इसकी रेपर चिपका देंगे और सबसे बड़ी चॉकलेट बनाएंगे। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं पूरा बोतल सेटअप कर लिया है। तो क्या ना, कल हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि कल ज्यादा रात हो गई थी, तो हम वीडियो आज बना रहे हैं। तो क्या ना, पहले हम इन टॉफी को खोल लेते हैं एक बार। तो हम कुछ टॉफियां खा चुके हैं कल से आज तक, तो बाकी जो है आपके सामने, तो पहले इन सबको खोल लेते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, देखिए हमने सारी सारी चॉकलेट देखिए खोल दी है अगर आप देखेंगे तो, और देखिए कितना सारा देखिए वेस्ट निकला है। ये देखिए इतना सारा निकला है, तो देखिए हम इसमें डाल देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने डाल दिए इसमें आके, तो इसको अब चालू करना और कुछ नहीं करना। अभी हम 400 पे पकाएंगे। ये देखिए पिघलना स्टार्ट हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कैसे पिघल रही हैं। ये देखिए कुछ, मतलब मुझे लग रहा है कि चिपक नहीं जाए पूरा पूरा। ये देखिए, अगर मैं देखिए आप चॉकलेट दिखाऊंगा, ये देखिए ऐसी कुछ होती है, देखिए अंदर चॉकलेट। आपने ग्लेस खाई होगी ना, इसके अंदर देखिए ऐसा कुछ निकलता है। एक स्मेल सी आ रही है, मतलब चॉकलेट की है। दोस्तों मक्खी आने लगी, शहर बसानी मगर मच्छ पहले आ गए। मेरे हिसाब से इसमें पानी डाल देना चाहिए। मक्खी पता नहीं पहले से गिरा बिल्कुल, मगर मक्खी नहीं थी, अब पता नहीं कहाँ से मक्खी आ गए। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, पता नहीं ऐसा क्या हो गया, मैंने थोड़ी सा पानी डाला था, ऐसे उबाल मार रहा है। दोस्तों हम 10 मिनट बाद देखेंगे क्या होता है। थोड़ी खुशबू भी आई चॉकलेट की, और देखिए यहाँ पर देख क्या, मतलब कुछ काला काला सा नज़र आ रहा है। ये जो ये आपको ब्लैक ब्लैक नज़र आ रहा है ना बीच में, थोड़ा ज़्यादा डार्क है, वो क्या है, जो अंदर की चॉकलेट थी ना वो निकल के आ रही है बाहर। तो अभी हम इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो दोस्तों देखिए 5 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए क्या हालत हो रही है, मतलब मैंने कुछ ज़्यादा स्पीड बढ़ा दी है, 800 कर दी, पहले 400 थी। मतलब देखिए धुआं सा निकल रहा है, सही बता उसको थोड़ा टाइम ही लगेगा पिघलने में। तो दोस्तों आप देख सकते थे कितना ज़्यादा धुआं निकल रहा है, मुझे स्पीड कम कर देनी चाहिए। देखिए इसमें कुछ साजी भी है, देखिए अभी भी पूरी नहीं पिघली है अभी भी। तो दोस्तों मेरे साथ ना थोड़ी देर में पिघल जाएगी। तो दोस्तों देखिए कुछ ऐसा हाल हुआ है, हमारी जो चॉकलेट है उसका, तो उसको थोड़ी स्पीड बढ़ा देते हैं। पहले हम 800 कर दी मैंने, अब मैं क्या करता हूँ उसमें थोड़ा पानी डाल देता हूँ थोड़ा सा। देखिए तो दोस्तों आप देख सकते थे कि हमें 10 मिनट हो चुके हैं, तो देखिए ऐसी कुछ हालत हुई थी चॉकलेट की, मतलब पूरी मेल्ट हो चुकी है। बाकी देखिए कलर देखिए ज़्यादा डार्क हो गया, पहले क्या कम डार्क था, बाकी और कुछ बदलाव नहीं आया। तो मैं आपको एक बार टेस्ट करके बताता हूँ, मतलब क्या टेस्ट में बदलाव आए। थोड़ी गर्म है, ठंडी कर लूँ पहले मैं, गर्म थोड़ी ज़्यादा है, बाकी से गर्म बिल्कुल मेरी आंसू नहीं चिपक रही, बिल्कुल नहीं चिपक रही है। देखिए अरे गर्म ज़्यादा है। तो दोस्तों सही बताऊँ तो चॉकलेट का टेस्ट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, पहले के मुकाबले अच्छा ही लग रहा है। बाकी ये है कि थोड़ी हार्ड हो गई है और कोई टेस्ट में बदलाव नहीं आया, थोड़ा टेस्ट अच्छा ही हुआ है, क्या नहीं मतलब ये बेकार नहीं हुआ है टेस्ट, नहीं आप लोग सोचे कि बेकार हो गया है। बाकी हम इसको देखिए इसमें भर लेते हैं इस बोतल में, तो नीचे का जो स्ट्रक्चर है वो इसमें बनेगा। चलिए पहले हम इसमें भर लेते हैं, मैंने इस बोतल को देखिए काट लिया है। तो दोस्तों हम बनाएंगे इसका केक। चल झूठा ये यार, मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने इस पर रख दिया तो वो पिघल ही गई, बोतल ही टेढ़ी हो गई यार। मतलब आप देख रहे हैं बोतल ही क्या हालत हुई है, मैंने सोचा नहीं था, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया कि ऐसी हालत हो जाएगी। तो अब हम भरेंगे इस गिलास में, बाकी से तो इसका जो टेस्ट है ना वैसा आ रहा है, ऐसी कॉफी वाली चॉकलेट आती है ना उसका टेस्ट आता है ना, वैसी टेस्ट इसमें आ रहा है, बाकी स्मेल भी कॉफी जैसी आ रही है। तो अब इसमें डाल लेते हैं पहले। तो दोस्तों देखिए फाइनली देखिए हमने भर लिया इस गिलास में, सही कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी इस गिलास में भरने के लिए, पता नहीं कितना ज़्यादा उठा पटक करनी पड़ी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो गई कहने को। बाकी जो बोतल में जमी थी ना वो इतनी ज़्यादा हार्ड थी, पता निकालने पता कितनी मेहनत करनी पड़ी। ये देखिए बोतल देखिए हमने पूरी पूरी काट दी, तब जाके जो उसके अंदर थी वो निकाली हमने, ऐसे वो निकाली नहीं रही थी। बाकी देखिए क्या हालत हुई, देखिए तब आखी, ये देखिए इसमें पपड़ी सी पट रही है। देखिए ये लगता है जो थी ना चॉकलेट वो जल गई है, तो वो उसी का हिस्सा है। ये देखिए
तो दोस्तों हम क्या करते हैं इसको जमाने के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम उठा के देखेंगे, मतलब फिर खा के देखेंगे फिर कैसी लग रही है। और ग्लास देख रहा हूँ, ग्लास बहुत ज्यादा गर्म हो गया, मतलब ग्लास हद से ज्यादा गर्म है अभी। मैं अगर भी टेम्परेचर चेक कर होता ना, मैं आपको टेम्परेचर चेक क्या बोला तूने करवा देता, हद से ज्यादा गर्म है। आप सोच सकते कि मैं इसे हाथ में नहीं पकड़ सकता, इतना ज्यादा गर्म है। और देखिए इससे कितना गंदा हो गया, ये छूटी नहीं रही, हमने बहुत कोशिश कर ली। बाकी अब हम इसको जमाने के लिए छोड़ देते हैं। तो दोस्तों पूरा पूरा एक दिन हो चुका है, तो आप देख सकते हैं ऐसी कुछ हालत में हमारी जो टॉफी थी, अभी हम फ्रीज से निकाल के लाए थोड़ी देर पहले। देखिए मतलब मैंने ये सोचा नहीं था कि ऊपर से, देखिए ये ऊपर से मतलब जमी नहीं है, देखिए लिक्विड सा ऊपर और नीचे मतलब बिल्कुल टाइट है। अब मुझे ये नहीं पता कि मतलब बाहर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, और देखते हैं कोशिश करते हैं निकालने की। तो पहले मैं निकाल के लाता हूँ, तब मैं आपको बताऊंगा। अब हम इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों जैसे हमने दो दिन बाद जो लगाकर ठोकी तो अपने आप चॉकलेट निकल गई। तो मुझे इतनी जल्दी नहीं पता था कितनी जल्दी निकल जाएगी, मुझे लग रहा था कि निकलेगी नहीं, हमें ग्लास काटना ही पड़ेगा, लेकिन पहले ही निकल गई। तो ये देखिए ऐसी कुछ हालत हुई है, तो पता नहीं वाइट वाइट ये मतलब कहाँ से आ गया, ऐसा लग रहा है काजू बादाम होते हैं ना उसके अंदर डाल देते हैं, वैसे कुछ लग रहा है। और ये देखिए नीचे का देखिए हिस्सा। हेलो दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि हमारी चॉकलेट बन चुकी है। सही कह रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि चॉकलेट टूट चुकी थी, फिर हमने जैसे तैसे जोर जाड़ के उसी से चॉकलेट बना दी, ऊपर दी सजाने के लिए हम छोटी चॉकलेट दी एक एक वाली। तो आप देख सकते हैं कैसी लग रही है, आप सच में बता देना, अगर बुरी लग रही तो बुरी भी कह देना, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है कि आपको नापसंद ही आई होगी क्योंकि चॉकलेट पूरी तरह टूट चुकी थी। तो ये देखिए चॉकलेट के कुछ हिस्से हैं जो कि मैंने उसमें मतलब जोड़े नहीं है, दो हिस्से बड़े बड़े थे ना उसको जोड़ के बना दिए। तो देखिए ये रहे हिस्से, तो इनका टेस्ट करके बता दो मतलब कैसा टेस्ट आ रहा है। तो मैंने आपको कल ही बताया था वैसे टेस्ट आ रहा है कॉफी की टॉफी जैसा, जैसे कॉफी की टॉफी आती है ना उसका टेस्ट आ रहा है, वैसे इसका टेस्ट आ रहा है, कोई चेंजेस नहीं है। बाकी ये बहुत ज्यादा पहले कल से ज्यादा हार्ड हो गई है। और देखिए ये रहा देखिए उसका, बाकी देखने में तो ठीक ठाक लग रहा है, जैसे कॉफी टॉफी आपने देखी ना वैसे कुछ हिस्सा है। तो मैं देखिए आपको एक बार इसको दिखा देता हूँ, टॉफी काफी अच्छी लग रही है, बजे ज्यादा मत पकाना, मैं जानता हूँ आप भी पक रहे हैं। तो ये हमने करीब करीब 120 टॉफी से बनाया है, क्योंकि 20 तो हमने साथ खा ही ली थी और 25 मैंने वैसे बचा ली थी, हमने देखिए ऐसे पैक कर लिया। ये देखिए वैसे बढ़िया लग रहा ना, तो फटी है। तो दोस्तों मैं जानता हूँ कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनी है, मुझे भी खुद देखने में बेकार लग रही है अंदर से, लेकिन मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है। अगर कहीं गलती हो गई है मेरे से तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। भाई खाने में तो टेस्ट ठीक ठाक है, लेकिन आपकी मर्जी, मैं आज आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर आपको सब्सक्राइब करना हो चैनल को तो कर लेना, और नहीं करना हो तो मत करना, वीडियो को लाइक करना हो तो कर देना, नहीं करना हो तो बिल्कुल मत करना, मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा उसके लिए। तो जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप कर लेना।